नागालैंड के दीमापुर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा कांग्रेस की नीति वोट पाओ भूल जाओ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का महामंथन, अध्यक्ष खड़गे की अगुवाई में सीएम गहलोत सहित दिग्गज मौजूद। दिल्ली एमसीडी सदन की कार्यवाही में भारी हंगामा, सदन में पार्षदों की नारेबाजी, आप पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल। इंडोनेशिया के टोबेलो में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.3 रही तीव्रता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा, कहा कि आतंकवादियों को शरण देने के मामले में पाकिस्तान को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। रूस और यूक्रेन युद्ध को एक साल पूरा, 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था युद्ध, भीषण जंग में हजारों लोगों की गई जान। मारवाड़ के 3 दिवसीय प्रवास पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, बेणेश्वर धाम पहुंचने पर संघ कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का चित्तौड़गढ़ दौरा, सांवलिया सेठ जी के किए दर्शन, पूजा अर्चना भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात, परसा कांचा कोल ब्लॉक के मुद्दे पर चर्चा। गिरिनगर कोटा के दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, नदी पार क्षेत्र के वार्डो में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को गति दे रहे धारीवाल। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया का झालावाड़ दौरा, मिनी सचिवालय मिली अधिकारियों की बात। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण, मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को पुलिस लेकर आई उदयपुर। अलवर के भिवाड़ी में क्राउन रबड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। श्रीगंगानगर के पदमपुर के वार्ड 17 में भ्रूण मिलने से फैले सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोचिंग सिटी कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने किया सुसाइड, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या का मामला, हत्या का वीडियो आया सामने, दो आरोपियों ने बाइक रोककर चाकू से किए वार। भरतपुर के घाट मीका में 2 लोगों की हत्या का मामला, कब्रिस्तान में धरने पर बैठे लोगों को नोटिस जारी किया। अजमेर के किशनगढ़ में डीएसओ विनय कुमार के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई, 22,700 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ किया जब्त। करौली में बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालकर लाई महिला के साथ चोरी की वारदात, अज्ञात चोर ने बैग से पार किए रुपए। कोटा के गुमानपुरा में शराब के ठेके के सेल्समैन को बदमाशों ने मारी गोली, घायल को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में कराया गया भर्ती। जोधपुर के फलौदी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 617 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त किया बरामद। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार ने मारी टक्कर, हादसे में 2 महिला गंभीर रूप से घायल हुई। अजमेर रामेश्वरम ट्रेन में साधु वेश धारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। जयपुर में बीसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट में शटडाउन शुरू, राजधानी में 3 दिन पानी की सप्लाई बंद। उदयपुर के खेरेदा पुलिस और तस्करों के बीच हुई फायरिंग, तस्कर मौके से हुए फरार, पुलिस ने गाड़ी से करीब 3 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया। सवाईमाधोपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला आया सामने, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कराया मामला दर्ज। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्की मेले का तीसरा दिन, बड़ी संख्या में उमड़े भाग प्रभारी, पुलिस जाब्ता तैनात। 4 दिनों की गिरावट के बाद तेजी के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ कर रहे ट्रेंड। रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नार्वे का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म सिनेमाघरों में 17 मार्च को रिलीज होगी। भारत महिला टीम ने एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, भारत ने मलेशिया को 17-16 से हराकर गोल्ड जीता।